त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए जारी आरक्षण सूची पर 22 और 23 को लगभग 1250 से अधिक की आपत्तियां आई हैं, जिसमें 22 मार्च को करीब 600 और 23 मार्च को करीब 650 से अधिक की आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि आपत्तियों का निस्तारण 24 और 25 मार्च को किया जाएगा। निस्तारण के दौरान आपत्ति दर्ज कराने वालों को भी बुलाया जाएगा और जिला प्रशासन द्वारा गठित 10 सदस्यीय टीम के सामने उनकी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद 26 मार्च को आरक्षण की सूची शासन को प्रेषित कर दी जाएगी तथा 27 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, आज जो आपत्तियां आनी थी, कितनी आपत्तियां आई पूरे जिले में सर? पिछले दो दिन से आपत्तियां मंगाई जा रही थी। जैसा कि आपको पता है, 21 तारीख को हम लोगों ने आरक्षण का अंतिम प्रकाशन किया था और 22 और 23 को दो दिन आपत्ति मंगाई गई थी। कल लगभग 650 आपत्तियां आई थी और आज कुल आपत्तियों को मिलाकर के, आज और कल का अगर मिला दें, लगभग 1256 आपत्तियां आई हैं। 1250 से अधिक आपत्तियां हैं। लगभग कल 650 आई थी, आज भी लगभग 600 आपत्तियां आई हैं और कल से इन आपत्तियों का निस्तारण प्रारंभ किया जाएगा। कल और परसों में इन सारे आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाएगा। उसके बाद परसों रात तक इसका जो है साइन करा के, हस्ताक्षर करा के कमेटी के मेंबर से 26 सदस्य का अंतिम प्रकाशन करके निदेशालय भेज दिया जाएगा। इनको कोई मौका भी दिया जाएगा कि आपत्तियों के बारे में, निस्तारण के संबंध में आप लोग सामने बुला के करेंगे? हाँ, क्योंकि इस बार समय कम है तो जितने लोगों को हम लोग बुला सकते हैं, सिर्फ दो ही दिन का समय हमें आपत्ति निस्तारण के लिए मिला है आज और कल का, लेकिन जितने लोगों को हम बुला सकते हैं उतने लोगों को हम बुला करके ही करेंगे। उसके अलावा कोई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फोन के मार्फत से भी जुड़ना चाहते हैं या किसी और तरह से जानना चाहते हैं या वीडियो कॉलिंग के मार्फत से जुड़ना चाहते हैं, उनका भी हम इंटरटेन करेंगे। उनको भी इस तरह से उनको आपत्ति कैसे के बारे में बताएंगे, कैसे निस्तारण की गई है, कैसे इसका जो भी निस्तारण है तरीका उनको समझाएंगे।